वास्तव में अयोध्या यह भारत की सनातन आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी, अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा, अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में पुरुष सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही है। और ये जो कुछ भी हम वहां करने में सफल हुए हैं या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है।